आज सेवनटीन ऑगस्ट है और एक क्वेश्चन है ये आर्टिस्ट इतने चिड़े हुए क्यों रहते हैं हमेशा आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को देख लो इवन फोटोग्राफ़र को देख लो डी को देख लो जब हम शुरू करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक एक दुनिया होती है जिसके अंदर हम बहुत सुकून से आर्ट बना रहे हैं और एक बहुत अच्छी वाइब है एक बहुत अच्छी फील है और जैसे जैसे हम आर्ट के अंदर आते हैं या इस फील्ड के अंदर आते हैं तो एक अलग सी दुनिया सामने आती है जहाँ पे लोग आपके काम के लिए मे भी क्रेडिट ले रहे हैं लोग आपको चेंजेस दे रहे हैं आपका विजन मैच नहीं हो रहा है आपका पेमेंट अटक रहा है बहुत सारी चीजें हैं अब इसके अंदर कौन सा माइंड होगा जो आपको हेल्प करेगा आज का जो टॉपिक है वो इसी माइंड के ऊपर है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है समथिंग दैट आई टेस्टेड इसका नाम है द स्टॉप्स हियर मतलब जो ब्लेम का सर्कल होता है ना जो चलते ही जाता है उसको रोक दो अब ये मैं ऐसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा इसके लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाता है ठीक है तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लाइफ समझते और फिर आगे जाते हैं अच्छा परेशानी क्यों होती है अहमद फराज का एक शेर है किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा सो जिस जिंदगी है ना वो तो अनफेयर है और इसको मैं अभी थोड़ी देर में प्रूफ करूंगा बट पहले ये समझ लो एक आर्टिस्ट है और ये दुनिया है और ये जिंदगी है ओके द टाइम दैट यूज स्पेंडिंग अब यहाँ पे आपका जो कनेक्शन होता है दुनिया के साथ में आर्टिस्ट का पर्टिकुलरली वो उसके काम के साथ होता है आप कितना अच्छा काम करते हो आप कितना दिल से काम करते हो वो डिटामाइन करता है कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी जाएगी और आर्टिस्ट अक्सर उनके काम के लिए जीते हैं अब आप यहाँ पे अपने काम से कनेक्शन बना रहे हो किन चीज़ों से दुनिया से जिंदगी से सिचुएशन से लेकिन सिचुएशन हमेशा अच्छी थोड़ी होती है सिचुएशन तो बुरी भी होती है और जैसे ही वो बुरी होती है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गलती हुई आपसे हुई तो ठीक है लेकिन किसी और से हुई जैसे उन्होंने गलती की है सिचुएशन बिगड़ गई सिचुएशन के बिगड़ने के बाद ब्लेम आया आप पे अब यहाँ पे हम अक्सर चिड़ जाते हैं और उस जोन में जाते हैं कि अब क्या होगा पनिशमेंट आएगी कोई चिल्लाएगा कोई आपका काम नहीं लेगा हो सकता है आपको आगे काम ना मिले ये सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं ये सिचुएशन है और प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन है कि ब्लेम की जगह उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए ओके okay? दो फ़र्क होते हैं। ब्लेम मतलब किसी ने ये काम गलत किया मैंने गलत काम गलत किया मैं उसके अंदर परेशान हो रहा हूँ ब्लेम ले रहा हूँ मतलब को रहा हूँ और चिड़ रहा हूँ और वो प्रॉब्लम है लेकिन एक और तरीका है जैसे मैंने आर्टिस्ट के लिए बोला था ना एक और दुनिया है

एज अ सिग्नल देखते हैं यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलती है तो क्या होता है या तो आपको दर्द होगा या तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा नॉर्मल सिचुएशन में ये दोनों चीज़ें फ्रस्ट्रेशन के लिए लीड करती है लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में अक्सर क्या करते हैं हम उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं मुझे इतना काम दे दिया मेरी गलती है क्या अगर वहाँ पे हमें इतना समझ में आए कि जो पेन है ना वो हमेशा फिजिकल नहीं होता कभी कभी वो इमोशनल भी होता है आपको स्ट्रेस भी होता है ये सब पेन में आता है और ये एक नेचुरल सिग्नल है कि कुछ गलत जा रहा है पेन हमेशा वो गलत चीज़ है बुरी चीज़ है ये जरूरी नहीं है अब जब आपने पेन को ऐसे समझा और ये समझा कि फीडबैक जो है जो भी ये पेन है वो सिर्फ एक फीडबैक है आपके लिए ताकि आपको और इम्प्रूव होकर बेहतर तरीके से काम करना है फ्यूचर में अभी जो भी काम है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसा है जब आप ये करते हो तो क्या होता है पता है आपको पनिशमेंट से डर लगना ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बदल गया ना पनिशमेंट से अब आप पनिशमेंट से दौड़ नहीं भाग रहे हो आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो कि हाँ ये मेरी पनिशमेंट है मैं लेने के लिए तैयार हूँ सजा दीजिए मुझे यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है और आपकी जो सोच है वो इतने ऊपर लेवल पे आ गई है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी टास्क को आराम से हैंडल कर सकते हो यहाँ पे आप एक टीम प्लेयर बनते हो पहली चीज दूसरा आप ये चीज समझ लेते हो कि ब्लेम होगा तो क्या होगा दुनिया आपको जज करेगी पर अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप खुद के अंदर ग्रो कर रहे हो आप ये बोलते हो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी भले ही वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन जैसे बहुत सारे इसमें होता है ना जहाँ पे कैप्टन जो है अगर टीम जीत गई तो वो उनको जाके सेलिब्रेट करने देगा एम एस धोनी लेकिन अगर टीम हार गई तो वो खुद आके संभालेगा ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो तो यहाँ पे आपने वो बक रोक दिया वो जो पूरा प्रॉब्लम था घूम रहा था आपने उसको वहाँ पर जगह पे ख़त्म कर दिया भले ही वो आपकी लाइफ में हो या कोई प्रोजेक्ट में हो होता ये है अब यहाँ पे आने से पहले थोड़ा ऊपर जाकर देख जिंदगी को आप लेट गो कर रहे हो आपका जो वर्क के साथ कनेक्शन है ना आप उससे नॉन अटैच हो रहे हो आपने उसकी अटैचमेंट छोड़ दी है और आप ये समझ लेते हो कि अब जिंदगी में जो भी हो रहा है यहाँ पे वो तो होने ही वाला है और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इसके लिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ लेकिन मैं जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल आपका जो कंट्रोल है जैसे आप कब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे एक्सटर्नल सरक्रमस्टांसिस को उसको आपने छोड़ दिया आप सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हो और जब आप ये करते हो ना तो आप ये एक्सेप्ट करते हो कि जिंदगी ऐसी ही है अनफेयर और क्योंकि ये अनफेयर है इसके बारे में ये ध्यान लगाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि लाइफ है ही वैसी अब जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मैं दे रहा हूँ मेरे ऊपर यहाँ पे आता है सुकून क्योंकि अब आप किसी चीज़ के पीछे भाग ही नहीं रहे हो ना आपने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये है गलत है हाँ ठीक है मैंने किया हम काम खत्म करो ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अक्सर ये प्रोजेक्ट्स में जब कोई भी मैटर होता है या कोई भी मसला होता है तो ये सेंटेंस आखिरी में आता है जहाँ पे इंसान एकदम चिड़के बोलता है ठीक है मेरी गलती है मैं संभाल रहा हूँ अगर यही पहले आ जाए ना तो आपका प्रमोशन आपको थोड़ी जल्दी मिलेगा यहाँ पे आर्ट आता है एक बार आपको सुकून हो गया तो अब आप आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो इंस्टेड ऑफ अंदर ही अंदर कुड़ने की जगह या अंदर ही अंदर किसी को बुरा बोलने की जगह आपने अब उसको छोड़ दिया है अब यहाँ पे आप आपके आर्ट पे ध्यान दे रहे हो अपनी आर्ट से आपकी ग्रोथ होगी ग्रोथ कैसे होगी सबसे पहले ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है और इसको एक्सेप्ट करना बाय द वे इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस रेडिकल एक्सेप्टेंस मतलब जो है जैसा है जैसी जिंदगी है ठीक है मुझे इसमें कोई भी चेंज नहीं करना मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ जैसे जैसे मैं ग्रो होऊंगा जिंदगी अपने आप इम्प्रूव होते जाएगी अब आप, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉग हो गया है आपका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अडेप्ट कर रहा है वो ज़्यादा अडेप्टिव हो गया है उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खुल गया है स्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं ये मेरा काम नहीं है मुझे नहीं करना है मुझे नहीं आना है इसमें आप बोल रहे हो हाँ ठीक है जो भी है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली इसमें एनर्जी लगेगी लेकिन ये आपको इतना इम्प्रूव कर देगा कि आपका पूरा प्रोजेक्ट आपकी पूरी लाइफ हैंडल हो सकती है इस हैबिट से आप पूरी दुनिया के साथ यहाँ पे पूरी दुनिया जितना जूमड आउट है ओके okay, सारी सिचुएशन सब कुछ उससे पीस में आ जाते हो ये क्यों करना है क्योंकि जस्ट सोचो ना कि वो इंसान कितना पावरफुल होगा जो पूरे के को देखता है और बोलता है कि ठीक है संभाल लेंगे आप इतने पावरफुल बन रहे हो अब यहाँ पे जब ये होता है तो आप एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। वहाँ पे वो लोग ये बोलते हैं कि हमें ए खुदा हमें यह ताकत दे कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए जो हमारे कंट्रोल में है उस चीज को रिजेक्ट कर पाए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है मतलब उसके बारे में नहीं सोचे और दोनों के बीच में फर्क जानने का जानने की अक्ल दे हमें जब ये आपके पास होता है ना तो आप अपनी जिंदगी को ओन करना शुरू कर देते हो अब मुझे पता है कि ये नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल हमें आदत है सोचने की कि यार काम करो छोड़ो हट जाना है पीछे ये इससे थोड़ा अलग है अगर वो पानी है तो ये जहर है और इसके लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर है हौसले ज़िंदगी के देखते हैं चलिए कुछ दिन जी के देखते हैं नींद पिछली सदी की जख्मी है खाब अगली सदी के देखते हैं रोज हम एक अंधेरी धुंध के पार मतलब आपको जरा सा भी कुछ नहीं दिख रहा है काफिले रोशनी के देखते हैं हो पानियों से तो प्याज बुझती नहीं आइए जहर पी के देखते हैं थैंक यू सो मच सी यू टुमारो बाई